बिहार के गया में मंगला गौरी शक्तिपीठ मंदिर परिसर में कई योजनाओं को पूर्व एमएलसी कुमार बाबू ने करोड़ रुपए की लागत से निर्मित योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर सदर एसडीओ, पूर्व नगर आयुक्त, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस संदर्भ में कुमार बाबू ने बताया कि मंगला गौरी माँ शक्तिपीठ धाम मंदिर में सौंदर्यीकरण का काम, 1200 गाड़ियों की पार्किंग एवं सरोवर कर सौंदर्यीकरण का काम 2.5 करोड़ रुपए की राशि से निर्माण की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह राशि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तहत विकास काम में की जा रही है। सर्वप्रथम कुमार बाबू ने मंगला गौरी मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मरम्मती का काम इन सारी चीजों का अभी ध्यान देते हुए किया गया है। यहाँ 1 और 200 गाड़ियां लगी और जो भी आएंगे वो आनंद से यहाँ माँ के दर्शन करने के बाद या लाइन में खड़े रहने के समय में आनंद करेंगे। उन्हीं के पास इधर जो छोटी सी जगह है उसको भी बहुत सुंदर बनाया गया। आपने इसको ये सरोवर है, सामने सरोवर है जिसमें भी लोग समय बिता सकेंगे। मंगला गौरी को क्यों आपने चुना? ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। दूसरा चाबू माँ की कृपा से सबों का कल्याण, तो माँ के लिए माँ की कृपा क्यों मैंने यहाँ सोचा जी माँ ही बता सकते। मैंने सर एक दूसरा है जो अभी विधान पार्षद को लेके आप जहाँ भी जा रहे हैं तो कई लोग मंच से सीधे बोल रहे हैं विधान पार्षद में आपकी ज़रूरत है मगध का प्रतिनिधित्व करने की, क्या आप अभी आशान्वित हैं जो कि ये कुछ संभव है? इसके बारे में जनता और पार्टी जाने, मैं कर्म करता हूँ, कर्म में विश्वास रखता हूँ, कर्म ही करते आया हूँ। 1980 से भाजपा का जब पकड़ा है कर्म करने में विश्वास। इससे पहले जब लिस्ट आई थी तो आपने विरोध जताया था और अपने पद छोड़ दिया? नहीं, मैंने विरोध नहीं जताया, कहीं आप देख लीजिए, हाँ कुछ पदों से मैंने त्याग पत्र दिया। पार्टी जिम्मेदारी देगी तो आप निभाएंगे? क्यों नहीं निभाएंगे? ये सर जो अभी देखा गया है कि कई लोग ये कहते हैं जो भाजपा को बनाने वाले थे उनको अब तवज्जो नहीं दी जा रही है, ऐसे में आप इतना अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, आपके साथ इतने लोग हैं तो उम्मीद है कि आपकी बात या पब्लिक की बात मानेगी प्रबंधन? माँ का आशीर्वाद जी। ठीक है।